टीचर 14 स्टूडेंट्स तो हो गए हैं, बाकी अल्लाह ताला आ ही रहे हैं। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने कुछ थेरीज या कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जो कि कहा जाता है कि वो टर्म्स हम लोग फैमिली थेरेपी में यूज तो करते हैं, लेकिन वो सारे टर्म्स या वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्चुअली फैमिली थेरेपी के अपने नहीं है, बल्कि उन्होंने बोरो किए हैं। इवन वो किसी सोशल साइकोलॉजिस्ट के भी नहीं है या किसी सोशल साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड से बिलोंग नहीं करते। जिसमें हम लोगों ने फीडबैक को देखा था, जो कि एक्चुअली एक मैथमेटिशियन ने दिया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था, जो कि एक्चुअली एक बायोलॉजिस्ट ने दिया था। अब आज हम लोगों ने फैमिली थेरी पढ़नी है। फर्स्ट जैसे कि स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा था कि फैमिली थेरेपी या फैमिली थेरी से रिलेटेड 4 अप्रोचेज हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन जो अप्रोच है वो एक्चुअली बॉवन की इंटरजनरेशनल अप्रोच है। इंटरजनरेशन, जैसा कि आपको इसके नेम से भी पता चल ही रहा होगा, एक्चुअली ये जनरेशन टू जनरेशन जो डिफरेंट हमारे एस्पेक्ट्स हैं या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं और किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो वो किस तरह से उनको अफेक्ट कर रहे हैं। तो बॉवन ने ज्यादातर इस पर रिसर्च की थी। अच्छा बच्चों, अब जो बेसिकली जो हमारे बॉवन था वो एक्चुअली जब उसकी रिसर्च थी वो ज्यादातर उन फैमिलीज के साथ थी जिनमें या जिनके पेरेंट्स जो हैं उन्हें वो किसी ना किसी ऐसी सफरिंग में थे कि उनके जो बच्चे हैं उनमें से कोई एक बच्चा या कोई भी है वो स्किज़ोफ्रेनिक थे, या स्किज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब वहां पे वो ज्यादातर उन बच्चों के साथ या उन फैमिलीज के साथ इसका ज्यादा वर्क था। अब यहाँ पे बॉवन की जो थेरी थी वहां पे उसने ये देखा था कि जो फैमिली का इमोशनल सिस्टम है, वो फैमिली का इमोशनल सिस्टम जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से ट्रेवल करता है, या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह से जाता है, और फिर किस तरह से वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोई ना कोई इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कोई ना कोई इमोशनल स्टेबिलिटी थी, तो वही क्या वही इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपके पेरेंट्स में भी आई है, और क्या फिर वो पेरेंट्स से नेक्स्ट बच्चों में भी जा रही है? या हो सकता है कि अगर जो बच्चों में, मतलब कोई भी अगर बच्चा है या कोई भी बच्चे को फेस करना पड़ रहा है इमोशनल इंस्टेबिलिटी को या स्किज़ोफ्रेनिया को, लेकिन उनके पेरेंट्स को ऐसा कुछ मसला नहीं है, लेकिन क्या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनमें तो कोई ऐसा मसला नहीं था? जैसे कि हम लोग जीन का जीन की ट्रांसफ्यूजन पढ़ते हैं ना, कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं होती, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स जो या वो इनहेरिटेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों में शो हो रही होती हैं। इसकी वजह फिर हम लोग ये बताते हैं कि एक्चुअली उनकी कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कि उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ली, और उन ग्रैंड पेरेंट्स की उन जीन्स की वजह से वो कहीं ना कहीं जो उनके पेरेंट्स में थी वो रिसेसिव थी, लेकिन वो जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में गई हैं तो वो एक्टिव हो गई हैं, और इसीलिए वो ज्यादा प्रोमिनेंट होके वहां पे नजर आते। तो जो बॉवन ने जब इन फैमिलीज पे काम करना स्टार्ट किया था, तो उसने इन फैमिलीज में जब काम किया था उसने सिर्फ बच्चों के साथ काम नहीं था किया, बल्कि उसने स्पेसिफिकली सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट किया था कि पेरेंट्स को एक्चुअली कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उनके आपस के रिलेशनशिप उससे किस तरह से इफेक्ट हो रहे होते हैं, बल्कि उनके पेरेंटिंग उस तक किस तरह से उससे इफेक्ट हो रही होती है कि जब उनकी फैमिली में कोई भी जो बच्चा है वो उस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है। तो वो कहता था कि वो एज अ कोच पेरेंट्स को ट्रेन करता है कि वो इन डिफिकल्टीज को किस किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ काम कर सकते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं उसका ये कहना था कि वो पेरेंट्स की थिंकिंग पे काम करता है कि उनको दोबारा से एक नए सिरे से कि चीज़ों को वो एक नए सिरे से देखें कि वो उनको किस तरह से उन चीज़ों को नई तरह से किस तरह से सोच सकते हैं, एक नई डायरेक्शन में किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो आप हम लोग जब बॉवन की सारी थेरी पढ़ेंगे या इस पे काम करेंगे, तो बॉवन का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, इसने ज्यादातर जिस बात पे बहुत ज्यादा फोकस किया था या जिस बात को सबसे ज्यादा आप ये कह लें कि इम्पोर्टेंस दी थी, वो थी कि एक्चुअली हर पर्सन के अंदर यानी कि इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की। अब हम लोग जब देखें कि हम खुद को यानी कि जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम किन बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं? बाज़ुकात हम अपनी थिंकिंग की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। एक मिनट बच्चों, अच्छा बच्चों, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये देखा था, मतलब जो बेसिक और मेन आइडिया जो बॉवन की थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे वो रिलेट कर रहा था कि इंडिविजुअल के अंदर क्या
एबिलिटी है कि वो अपने आप को सेल्फ डिफरेंशिएट करता है दूसरों के साथ या इवन खुद में भी, कि क्या एज एन इंडिविजुअल हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स के दरमियान या अपनी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर सके। अब यहाँ पे उसने ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो सारी फैमिली के प्रोसेसेस पे अप्लाई किया था कि क्या मतलब हम लोग जब डिफरेंट जो लोग हैं फैमिली के डिफरेंट इंडिविजुअल हैं वो किस तरह से अपने स्ट्रेसेस को दूसरे फैमिली मेंबर्स पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, फिर इसी तरह से जो वो फैमिली मेंबर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, इवन जो आपस में बहन भाई या बड़ा बहन भाई या कोई पेरेंट्स अगर किसी स्ट्रेस में है तो वो अपने बच्चों पे कर देते हैं उसको प्रोजेक्ट, और इसी तरह जो अगर बड़ा बहन भाई है कोई तो वो छोटे बहन भाइयों में उन चीजों को प्रोजेक्ट करता है। तो इट मीन्स कि एक पर्सन से जो एक स्ट्रेस है या एक डिप्रेशन है या कोई भी प्रेशर है वो किस तरह से फैमिली में ट्रेवल कर रहा होता है, और इवन ये ट्रेवलिंग जो है बाद में सिर्फ एक सिस्टम के अंदर या फैमिली के किसी एक सिर्फ एक जनरेशन के अंदर नहीं रहती बल्कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती रहती है। तो एक्चुअली स्पेसिफिकली कि ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो फैमिलीज के अंदर जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से इफेक्ट करती है और किस किस तरह से ऑब्वियसली फिर फैमिली की फंक्शनिंग उससे सफर कर रही होती है, बेसिकली बोवन ने स्पेसिफिकली इस पे काम स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जब हम बोवन की थ्योरी को देखते हैं तो उसके कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों वो 8 मेनली आप जब कॉन्सेप्ट हैं वो जो देखेंगे वो हर जगह यहीं पे नजर आ रहे होते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। मतलब जिस तरह से जनरेशन टू जनरेशन उसने कहा कि एक्चुअली हमारी स्ट्रेसर या हमारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी ट्रेवल करती है, इसी तरह सेम जो बोवन ने अपने 8 कॉन्सेप्ट दिए थे फैमिली सिस्टम थ्योरी के, वो सारे कॉन्सेप्ट भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड थे कि अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट में आप कह लें कि आपको कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है या किसी एक पॉइंट पे आप डिफिकल्टी पेश कर रहे हैं या वहां पे आप प्रेशराइज्ड हैं तो इट मीन्स आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी उससे सफर कर रहा है, जिसमें आपको सबसे पहले तो बच्चों एज अ सेंटर पॉइंट जो थेरेपी का है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ, फिर उसके बाद बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ के गिर्द ही घूम रहे होते हैं, जिसमें फैमिली प्रोजेक्शन है, फैमिली इमोशनल सिस्टम है, ट्रायंगुलेशन है, मल्टी जनरेशन ट्रांसमिशन है, सिबलिंग पोजीशन है, इमोशनल कट ऑफ है, ये सारे जितने भी 8 कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअली बेसिकली वो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ से ही रिलेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बच्चों देखें कि ये सारी जो थेरीज हैं अगर इसको हम लोग इस तरह से देखें तो ऑब्वियसली जो फैमिली सिस्टम थ्योरी का सबसे पहला जो सेंटर है वो हमारा एक इंडिविजुअल, अब वो इंडिविजुअल किस किस तरह से सफर कर रहा है, चीजों को किस किस तरह से देख रहा है, ऑब्वियसली वो अलग है। मैम पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा एक मिनट। जी जी बच्चों कुछ पूछ रहे हैं बच्चों इसमें से, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी बच्चों मैंने बताने आगे वन बाय वन। ओके मैम। अच्छा बच्चों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फैमिली सिस्टम थ्योरी में सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट या आप ये कह लें कि हमारा जो टारगेट कॉन्सेप्ट होगा वो इंडिविजुअल होगा, अब इंडिविजुअल डिफरेंट फैमिली सिस्टम से किस किस तरह से इफेक्ट हो रहा होता है वो हम लोग देख रहे हैं। कि अगर न्यूक्लियर फैमिली, ऑब्वियसली न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली में हम सिर्फ जो एक अकेली फैमिली है या एक आप कह लें कि जनरेशन है सिर्फ वही रह रही होती है और आपस में मतलब बहन भाई हैं पेरेंट्स हैं और बस, वहां पे कोई दूसरी जनरेशन नहीं रह रही, यानी कि फैमिली का सिर्फ एक सिस्टम या एक यूनिट रह रहा है। अब अगर कोई इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो उसकी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ किस तरह से वर्क कर रही होती है, ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ ज्यादा क्लियर होती है, या आप ये कह लें कि वो सिर्फ एक थोड़े से जगह पे या थोड़े से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पे उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग अलग तरह की होती है, वो चीजों को अलग तरह से देखता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बाजों का तो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं भी होता है। एक्चुअली स्पेसिफिकली हमारे फैमिली के सिस्टम पे भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है बच्चों के, जिसमें हम एक्चुअली जिसको हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी कहते हैं, तो जहाँ पे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा हम अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं, चाचू के साथ रह रहे हैं, वहाँ पे ताया अबू रह रहे हैं, आप सारे मिलके या एक ही जगह पे रह रहे हैं। अब बाजू का इस तरह से होता है कि हम एक जगह पे रह रहे होते हैं लेकिन बाजू का ये होता है कि हम एक जगह या एक घर में नहीं रह रहे होते, लेकिन जो सारे रिलेटिव हैं वो अगर ये कह लेंगे बहुत सारे रिलेटिव एक एरिया में रह रहे होते हैं, बाजू का तो बहुत से बहन भाइयों का या इस तरह से भी घर होता है ना कि चाचू का घर सामने है या तायाबू का घर सामने वाला है, या इसको भी एक्सटेंडेड फैमिली ही कहा जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली के बाद थोड़ा मतलब अपग्रेड लेवल की तरफ जाएं तो हमारा सोशल लेवल होता है। अब हम अपने एज एन इंडिविजुअल हम लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली को एग्जामिन किया है, एक्सटेंडेड फैमिली को एग्जामिन किया है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए हैं,
आप काम कर रहे हैं, आप एक अपने नेबर्स में जा रहे हैं, आप एक कम्युनिटी सेंटर में जा रहे हैं, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, या मतलब आपकी डिफरेंट अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बींग एन इंडिविजुअल वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने लग गई हैं। जैसे जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ भी इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ये इंटरेक्शन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या इन लेवल्स में। जी बच्चों आपकी आवाज नहीं ऊंचा बोले थोड़ा। मैम इन लेवल्स में हम क्या चीज देखेंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? ये सब बच्चों हम लोग एक्चुअली बेसिकली मल्टी जनरेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो ये बता रहा था मल्टी जनरेशनल सिस्टम में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बोवन ने कहा था कि जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल एक्चुअली हमारा सबसे ज्यादा एक मेन टारगेट या आप ये कहने के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक इंडिविजुअल अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को और अपनी थॉट्स को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करने की कितनी एबिलिटी रखता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब एक इंडिविजुअल इन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाता है, हम एज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल पहले घर में है या अपनी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है तो वो न्यूक्लियर फैमिली उस पर किस तरह से इफेक्ट कर रही है। अगर कोई इंडिविजुअल ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, रिलेटिव्स के साथ जा रहे होते हैं, तो जब आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं तब आपकी थिंकिंग पे, आपके थिंकिंग पैटर्न्स आप पे किस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं या वो किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं, आपकी फीलिंग्स किस तरह से चेंज हो रही है, क्योंकि अब आप एक अपने दायरे को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को अपग्रेड लेवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल फैमिली के अंदर जब इन सारी जगहों से होकर आता है या इन सारी जगहों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो उसके थिंकिंग पे, उसके फीलिंग्स पे, उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे किस किस तरह से इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इकरा? जी मैम। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग बच्चों थे सोशल लेवल को देख रहे थे, जैसे कि आप लोग स्कूल जाना स्टार्ट होते हैं, आप लोग फिर ऑब्वियसली वो स्कूल में आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, वर्क करना स्टार्ट होते हैं, या आप कम्युनिटी सेंटर्स में जा रहे हैं, आप नेबर्स में जा रहे हैं, आपके दोस्त बन रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता आपका जो आप ये कह लें कि आपका आहिस्ता आहिस्ता जो सर्कल है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया, फिर वहां पे वो अब आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके मिल रहे हैं, अब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों की जो थिंकिंग स्टाइल्स हैं या उन लोगों के जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं या उन लोगों की आप ये कह लें कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, थॉट्स हैं, वो भी आप इफेक्ट कर रही है। तो क्या आप उस लेवल पे, यानी कि हर हर लेवल पे हम किस तरह से कहते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं? तो उसके बाद ऑब्वियसली मल्टीकल्चरल लेवल आ गया। मल्टीकल्चरल लेवल में क्या है कि अब आप एक ग्रो कर गए हैं, अब आप रिलीजियोसिटी या रिलीजियस कल्चर को अलग तरह से देख रहे हैं, आप अपने सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को अलग तरह से देख रहे हैं, आप अपने एथनिक ग्रुप्स को देख रहे हैं, जैसे हम जात पात का निज़ाम ये फलां चीज़ें, मतलब हम चीज़ों को अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। इवन हम लोग ये देख रहे होते हैं अब आप मतलब आप बच्चों ग्रो कर गए हैं, अब आपने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं, अब आपको पता है कि जब आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं आपका बिहेवियर अलग तरह का होता है, आप उन चीज़ों को अलग तरह से सीख रहे होते हैं, आपकी फीलिंग्स उनके अकॉर्डिंग अलग तरह से होती हैं। लेकिन उसके बाद जब आप बहुत से जब आप किसी शादी में जा रहे होते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं, किसी और फंक्शन में जा रहे होते हैं, वहां पे आपकी थिंकिंग आपका बिहेवियर टोटली अलग तरह से होते हैं। फिर इसी तरह जब हम डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, जैसे आप अगर देख लें कि इवन सिटीज के अलग अलग कल्चर को एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो आप किसी और सिटी में जाते हैं या आप किसी और घर में जा रहे होते हैं, अपनी फुफ्फो के घर या किस तरह से भी जा रहे हो, अगर आपको उनके कल्चर का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपकी कोशिश होती है कि आप उनके अकॉर्डिंग ही काम करें या आप उनके अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को कहीं ना कहीं आप उनसे इंप्रेस हो जाते हैं अगर आपको वो चीजें अच्छी लग रही हैं, या अगर आपको वो चीजें अच्छी नहीं लग रही तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल हम अगर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ को देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ जो है बच्चों वो करना कोई बहुत ज्यादा इजी काम नहीं है। हम इतने जगहों पे इतने लोगों से मिल रहे होते हैं और ऑब्वियसली उनमें से वो सारे लोग हम पे किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह से हमें देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका देखना, उनका करना या उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो थॉट्स हैं या उनका वे ऑफ थिंकिंग है वो हम पे भी इफेक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखें, सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ को, सॉरी मैम डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ का बच्चों बेसिकली मतलब क्या होता है? जी जी मैम, हमें खुद को तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ता क्योंकि जो हमारी एक सिस्टम चल रहा है, यानी कि जिस तरह हम इंडिविजुअल से फैमिली में आते हैं, फैमिली से नेक्स्ट फर्दर हम एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ जाते हैं, फिर सोशल सर्कल में जाते हैं,
जी वहां पे तो हमारा जो है वो हर पर्सन का डिफरेंट होता है एक दूसरे से, वो भी तो जी हम तो खुद ही एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो बिहेवियरल अडैप्टेशन है उसके लिए एनवायरनमेंट ही हमें डिफरेंट मिली है। क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आई दरमियान में। मैम मैं ये कह रही हूँ कि हम हर पर्सन जो है मुख्तलिफ पैटर्न्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी कि एक पर्सन दो सिस्टर्स भी अगर हैं, यानी कि अगर मैं मरियम है, हम दोनों ने भी डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस की, यानी कि अगर हमारा फैमिली सर्कल सेम है, हम पीयर हमारा जो स्कूल सेम थी और फ्रेंड्स वगैरह भी सब सेम थे, लेकिन फिर भी हम दोनों के एक्सपीरियंसिस डिफरेंट होते हैं, तो फिर उसमें भी हम मतलब एक दूसरे को डिफरेंशिएट जो है हमें खुद नहीं करना पड़ता, वो तो खुद ही नहीं हो रहा होता, हम डिफरेंशिएट खुद ही हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस सबके एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जी जी आप बिल्कुल सही कह रही है। अब यहाँ पे जो ये स्टडी थी ना, जो अब एक्चुअली जो बॉवन ने अपने सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, उसने ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेट किए थे उन फैमिलीज के साथ कि फैमिली में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि स्किजोफ्रेनिया है, या ये कह लें कि जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है एज अ बींग, जब आप इमोशनली स्टेबल हैं, जैसे आपने कहा कि आप दोनों बहनें, आपका एक ही सर्कल है, आप पढ़ भी एक जगह पे रही हैं, एक ही क्लास में हैं, एक ही फैमिली, मतलब आप हर जगह तकरीबन इकट्ठे ही जाते हैं, लेकिन आप चीजों को एक्सपीरियंस अलग अलग कर रहे होते हैं। इवन आप चीजों को एक ही दफा देख रही होती हैं कि एक ही जगह पे आप जा रही हैं, तो एक ही पर्सन के बारे में आप दोनों की राय या आप दोनों की जो थिंकिंग या फीलिंग्स है वो टोटली डिफरेंट होती है। अब वो डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि आप दोनों इमोशनली स्टेबल है, आपको पता है, आप एक डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ की जो कैपेबिलिटी है वो आपके अंदर है, आपको पता है कि आपकी अपनी थॉट्स क्या हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स क्या हैं, आपको पता है कि आपने इंटेलेक्चुअली चीजों से क्या सीखा है, आपको पता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, इसीलिए आप इजीली उनको क्लियर कर देती हैं। लेकिन अल्लाह ना करे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई किसी चीज का प्रेशर आ गया, या चले आप इमोशनली स्टेबल नहीं रहे, कोई स्ट्रेस आ गई है, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग स्ट्रेसेस को ज्यादा इमोशनली कोप अप नहीं कर सकते, या उसके साथ आप ये कह लें कि ज्यादातर रह नहीं पाते, तो वो लोग जो कि इमोशनली स्टेबल नहीं होते, या वो बच्चे जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों की जो भी थिंकिंग पैटर्न्स हैं या दूसरे लोगों की फीलिंग्स हैं उनसे बहुत ज्यादा, आप ये कह लें बच्चों के प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, उनकी अपनी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी अपनी क्या थॉट्स हैं वो उन्हें पता ही नहीं होता, वो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे लोगों के कहने के अकॉर्डिंग फ्यूज कर देते हैं, यानी कि वो फ्यूजन कर लेते हैं, उनके साथ ही मिला देते हैं। अगर लोग उन्हें कह रहे हैं कि आपके लिए ये काम करना अच्छा है, अब उन्हें उन्हें पता भी है कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएंगे, या उनको पता है कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ये काम करने की, लेकिन क्योंकि उन्होंने कह दिया उन्हें लगता है कि हम खुद कोई फैसला ले ही नहीं सकते, तो जैसा दूसरों ने कहा वो उनके अकॉर्डिंग काम करने लग जाए। समझ आइए अब? यस मैम। इकरा क्लियर हुआ? जी मैम। यानी कि मैम वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट जो उन पे इन्फ्लुएंस कर रही है, जी वो जी जी अब इन्फ्लुएंस कर क्यों रहा है, क्योंकि वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। यस मैम। इमोशनली हम दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा आप में, मतलब बहुत से लोग आप अपने इर्द गिर्द ऐसे भी देखते हैं जिनको बहुत ज्यादा फिक्र होती है कि पता नहीं अब ये मैंने काम ऐसे कर दिया, ये काम उसे गलत हो गया, तो पता नहीं अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोच रहे होते हैं ठीक है अच्छा गलती होगी, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अब उनके लिए वो इजी टू गो सिचुएशन है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा या क्या नहीं सोचेगा। इस तरह बाजों का हम क्या कर रहे होते हैं कि जैसे आपने बहुत दफा देखा होगा कि हम सब लोग या तकरीबन हम सब लोग ही ट्राई करते हैं कि दूसरों को खुश रखें, और लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि हम दूसरों को अगर खुश करते जाएंगे तो इस लेवल पे हमारी अपनी फीलिंग्स या हमारी अपनी पर्सनैलिटी या हमारे अपने ओपिनियंस टोटली खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे हम रुक जाते हैं, यानी कि एक लिमिट बनाई होती है हमने अपने लिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लग रहा होता है कि उनके लिए सिर्फ दूसरों की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरों की खुशी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि ठीक है आप दूसरों को खुश रखना एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को खुश रखना सिर्फ तब तक अच्छी बात है जब तक उसको उस खुश रखने में आप खुद नहीं डिस्ट्रॉय हो रहे। लेकिन अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, आप खुद प्रेशराइज बल्कि स्ट्रेस में या डिप्रेशन में जाने लगे हैं, तो इट मीन्स वो चीज अब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप दूसरों को कब तक खुश रख सकते हैं, मतलब उनकी हर बात भी तो नहीं ना मान सकते, बहुत सी बातें हैं जो आपको लग रहा होता है कि नहीं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है या आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप अपनी फ्रेंड्स को ही देख लें, आप सब लोग अपनी फ्रेंड्स की सिर्फ वो बातें मान सकते हैं जो आपको लग रहा होता है कि नहीं हाँ ये ठीक है या ये हमारे अकॉर्डिंग है या हम लोग ये कर सकते हैं या हमारी ये लिमिट है, लेकिन जहाँ पे वो कोई ऐसी बात होती है जो आपको लग रहा होता है वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करी या जिसपे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, यानी कि अब आपके थॉट पैटर्न्स और आपकी फीलिंग्स आपको बता रही है ना कि नहीं ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहां पे वो चीज आप डिनाई कर देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे हो ही नहीं सकती। तो एक्चुअली जब फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होता है कि जो कि अपने आप को सेल्फ डिफरेंशिएट नहीं कर पाता या इमोशनली स्टेबल नहीं होता,
तो किसी ना किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, या फैमिली के लिए वो बेचारा खुद तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन जब वो सफरिंग में होता है या वो सफर कर रहा होता है तो ऑब्वियसली फैमिली भी उससे सफर कर रही होती है। देखें, अगर अगर कोई पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो इट मीन्स फिजिकली भी उसको कोई ना कोई डिजीज का सामना करना पड़ जाएगा, साइकोलॉजिकली तो होगा ही, डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेगा, हर चीज में पर एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली जो उसके साथ बाकी लोग रह रहे हैं वो भी उन चीजों से उतना ही अफेक्ट होंगे जितना वो हो रहा है। तो इसीलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्फ जो है वो सिखाना या वो करना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर तो उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाता है वो है ट्रायंगुलेशन का। ट्रायंगुलेशन, एक मिनट बच्चों, अब ट्रायंगुलेशन मतलब आपको इसके नाम से थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा। ट्रायंगल यानी कि इसमें तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब बोवन ने जो ये आइडिया दिया था वो ये कहा था कि फैमिली में फॉर एग्जांपल कोई दो लोग हैं, अब उन दोनों लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है या वो किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं या वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में है या लड़ाई झगड़े में, ये दो भी हैं। जब तक वो दो लोगों के दरमियान है उन्हें लग रहा है कि ये चीज वो लोग हल, अगर वो इमोशनली या सेल्फ डिफरेंशिएटेड हैं यानी कि वो इमोशनली स्टेबल हैं, अपने आप को सेल्फ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो दोनों मिलके अपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लेंगे या उस स्ट्रेस को रिजोल्व कर लेंगे इजीली। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक पर्सन, उन दो लोगों में से कोई भी एक पर्सन सेल्फ डिफरेंशिएटेड नहीं है या उसके अंदर आप ये कह लें बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इतने ज्यादा प्रेशर को या उस कॉन्फ्लिक्ट के प्रेशर को या उस स्ट्रेसर को बियर नहीं कर सकेगा। फिर वो क्या करेगा, वो किसी और से हेल्प लेगा। हेल्प के लिए वो किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा। जब आप किसी थर्ड पर्सन के पास जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे वो एक ट्रायंगुलेशन बन जाती है, यानी कि दो लोगों के झगड़े में फिर एक तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन वो तीसरा बंदा वही इन्वॉल्व होता है कि कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि वो जो थर्ड पर्सन जिसको वो बुला रहा है, जिसको वो अपनी हेल्प के लिए बुला रहा है, वो उसकी हेल्प करेगा और इसके साथ साथ उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसकी उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके या उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सके। अब यहाँ पे ये कौन सा पर्सन हो सकता है, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई बहन भाई हो सकता है, इसके बाद इवन आप बाजू का पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हैं। इवन आप सब लोग फॉर एग्जाम्पल घर में आपने बहुत दफा देखा होगा, फैमिली में ज्यादातर ऐसा देखा होगा कि अगर फैमिली में किसी दो लोगों की या फैमिली में दो फैमिलीज की आपस में कोई अनबन हो गई हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो और वहां पे लग रहा हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उन दो लोगों से रिजोल्व नहीं होगा। अब फैमिली थोड़ी एक बड़े लेवल की होती है तो वहां पे आप क्या करते हैं, फैमिली के किसी ऐसे मेंबर को अंदर डालते हैं सॉरी बच्चों, फैमिली के किसी ऐसे मेंबर को अंदर इन्वॉल्व करते हैं जो कि आप लोगों को ये लग रहा होता है कि एक्चुअली उस पर्सन के इन्वॉल्व करने की वजह से, क्योंकि उस पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है फैमिली पे, तो उसके उस इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी लोग उसकी बात को मानेंगे। ठीक है, समझ आ रही है ट्रायंगुलेशन की बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल दो लोगों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व ना कर सके और बाद में वो किसी थर्ड पर्सन को बुलाएं, अपने किसी तीसरे दोस्त को बुला लें कि चलो पहले उन दोनों के दरमियान था, उन्होंने ट्राई किया कि हम इसको खुद ही आपस में रिजोल्व कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उन्होंने एक तीसरे बंदे को भी अंदर बुला लिया। उन्हें लग रहा था कि जो तीसरा बंदा है वो उनकी हेल्प करेगा और उसको रिजोल्व करेगा, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। अब ट्रायंगुलेशन में जो हेल्पफुल पर्सन होता है वो एक थेरेपिस्ट भी हो सकता है, वो कोई दोस्त भी हो सकता है, वो आपके घर में पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स की आपस में हो गई हो तो बाज़ोकात आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स में कोई मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई हो या कोई किसी बात पे आपस में नाराज हो तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी मिलके ही पेरेंट्स को आपस में मना लेते हैं। यानी कि ट्रायंगुलेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब दो लोगों में से, जब जिन दो लोगों के दरमियान एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट था उन दोनों में से कोई एक पर्सन या दोनों ही इमोशनली स्टेबल नहीं होते, यानी कि वो स्ट्रेस को या प्रेशर को इतना ज्यादा आप ये कह लें बच्चों के बियर नहीं कर पाते, तो वहां पे उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो एक तीसरे बंदे को बुलाए जो कि उनकी हेल्प करे इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम, आ रही है। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं या जो थर्ड पर्सन आया है उसकी कॉग्निशन कैसे उन दो पर्सन को इम्पैक्ट करती है। अब वो उन दो, अब देखो ना, थर्ड पर्सन जब आया उसकी कॉग्निशन इफेक्ट क्यों किया उस उन दोनों पे, क्योंकि वो लोग खुद सेल्फ डिफरेंशिएटेड नहीं।
अगर वो सेल्फ डिफ्रेंशिएटेड होते या आप ये कह ले इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होते तो उन्हें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ही ना रहे। Yes, तो थर्ड पर्सन के आने की वजह से कि उन्होंने समझाया, जो भी बातें कही किस तरह से भी कही, उन्हें लगा मतलब उन्हें एक नया रास्ता दिखाया, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग बताया कि आप इस तरह से भी तो सोच सकते हैं ना इस चीज को, या आप इस कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से भी तो रिजोल्व कर सकते हैं। तो उन्हें वही रास्ता जो मे बी उनके लिए बहुत ईजी भी था, उनके सामने था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो इसीलिए वो थर्ड पर्सन की कॉग्निशन ने एक्चुअली डायरेक्टली अफेक्ट किया उन पे। उसके बाद बच्चों जो थर्ड कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू बॉवन थ्योरी वो था न्यूक्लियर फैमिली इमोशनल सिस्टम। कि जब हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो वहां पे मतलब जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वहां पे उन्हें ये लग रहा होता है कि जब कोई भी पर्सन न्यूक्लियर फैमिली में रहता है तो वो एक्चुअली एक्सटेंडेड फैमिली की निस्बत या बाकी लोगों की निस्बत अपने आप को इजिली डिफ्रेंशिएटेड कर ले। क्योंकि वहां पे जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं बच्चों, जितने भी आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं आपको पता होगा कि आप लोगों को पता है कि आपके घर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके आपके चाचू या वो हैं, वो आप लोगों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको बहुत शुरू से ही सिखाया जाता है, अच्छा इस तरह से ये काम नहीं करना, इस तरह से बात नहीं करनी, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने, या इस तरह की ये काम नहीं करना। इससे क्या होगा कि जी पता नहीं चाची क्या सोचेंगी, ताई अम्मी क्या सोचेंगी, या चाचू पता नहीं क्या सोचेंगे, फूफो को बुरा लग जाएगा या दादी अम्मा को बुरा लग जाएगा। तो वहां पे एक्चुअली इतने ज्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। तो इस वजह से जब हम एक्सटेंडेड फैमिली या ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में लोगों की सेल्फ डिफ्रेंशिएटेड पुअर होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आपकी अपनी मर्जी है, आपके सिर्फ पेरेंट्स ही है ना, और पेरेंट्स ऑब्वियसली अगर आप कोई गलती भी करते हैं या आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो वो उनके लिए वो मिस्टेक इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती एज कम्पेयर टू के बाकी लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो उससे क्या होगा, मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बहन भाइयों को पता चलेगा और तो किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन उस मिस्टेक के अकॉर्डिंग वो आपको थोड़ा समझा देंगे या आपको बता देंगे तो वो चीजें इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है वो कहा जाता है कि वो सेल्फ डिफरेंशिएटेड वे में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ठीक है बच्चों, समझ आ गई न्यूक्लियर इमोशनल सिस्टम की। अब जैसे कि आपको अपने सामने बच्चों ये स्लाइड भी नजर आ रही होगी, इसमें वो क्या बता रहा है कि एक्चुअली जब हम न्यूक्लियर फैमिली इमोशनल सिस्टम में रहते हैं तो वहां पे अगर कोई फ्यूजन होता है, यानी कि पार्टनर्स हैं या आपके रिलेशनशिप है, आप एक हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक जगह पे रह रहे हैं, तो ज्यादातर अगर आपके दरमियान कोई कंफ्यूजन होगी या कोई भी आप ये कह लें कि आपके ज्यादा से ज्यादा आप एक दूसरे के थॉट्स को सिर्फ आपस में एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपस में मिलकर कोई चीज बना सकते हैं। इसी तरह अगर कोई डिसफंक्शनिंग होगी तो दो लोगों के दरमियान होगी तो वो इजीली उसको रिजोल्व कर सकते हैं, उन्हें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं रहती, उन्हें लग रहा होता है कि वो इमोशनली ज्यादा स्टेबल है। आप प्रोजेक्ट कर देते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपका कपल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उसमें। मतलब ये चीजें अकॉर्डिंग टू थ्योरी थी कि हम उनको किस तरह से देख कर चल रहे होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में बच्चों इमोशनली आप ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं ये कहा जाता है। अब हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग शायद अगर इस चीज को देखा जाए तो पता नहीं हम इतने स्ट्रॉन्ग होते न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या ज्वाइंट फैमिली में सिस्टम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये एक नई बहस होगी। क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं हमारी कल्चरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, हमारी कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये समझा जाता है कि वो लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, वो चीजों को ज्यादा अच्छे वे में सोचते हैं, वो चीजों को ज्यादा अच्छे वे में लेकर चलते हैं, और वो बहुत ज्यादा आप ये कहें डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट उनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये कितना किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है वो एक नई बहस, उस चीज को देखें तो वो एक नई अलग ही वे में बच्चों चल पड़े। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था मोरे बुवन ने वो रिलेट कर रहा था हमारे इमोशनल, अच्छा यहाँ पे ना बच्चों कुछ इमोशनल फैमिली प्रोजेक्शन प्रोसेस। अब फैमिली प्रोजेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली में पढ़ा, फैमिली प्रोजेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम लोग अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज या अपनी थॉट्स को एक्चुअली प्रोजेक्ट कर देते हैं उन लोगों पे जो कि हमें लग रहा होता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या हमसे कम हमसे छोटे हैं। जैसे कि पेरेंट्स होंगे तो वो बच्चों पे कर देंगे, बड़े बहन भाई होंगे तो वो छोटे बहन भाइयों पे कर देंगे, इसी तरह ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो आपके पेरेंट्स पे कर देंगे या अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे कर देंगे। तो इसी तरह जो आपका हमारा फैमिली प्रोजेक्शन सिस्टम है कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा ये कह रहा है
कि वो स्कूल नहीं जाएगा या वो घर रहना चाहता है, वो नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहता, मतलब जैसे कई बच्चे वैसे स्कूल जाने के लिए भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है वो इस बात को कहीं ना कहीं मान भी लेते हैं, और बाजू का ये कह देते हैं, बाजू का जो आपके, अगर आप एक बहुत ज्यादा फैमिली, मतलब एक बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली में, या आप ये कहें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो वहां पे उस बच्चे के, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में होंगे, तो उस बच्चे की इस बात को मतलब पेरेंट्स है वो किसी और तरह लेंगे, अच्छा अगर आपने आज छुट्टी करनी है तो इट्स ओके और वो चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, वो इसी बात को एक अलग तरह से लेंगे, उन्हें लगेगा कि उनका बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, या पेरेंट्स जो है उसे खराब कर रहे हैं, वो बच्चा एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बन रहा है, वो एंग्जायटी क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसको एक अलग सेंस में लेकर चल देते हैं। तो इसी तरह फैमिली प्रोजेक्शन सिस्टम अलग अलग तरह से हमारे ऊपर अफेक्ट कर रहा है। जैसे आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेरेंट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे अपने सामने एक चीज ये नजर भी आ रही है बच्चों के, रिजेक्टेड पेरेंट टर्न्स टू चिल्ड्रन स्पेशली वन, कि अगर पेरेंट जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो मदर या मतलब पेरेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो मदर है वो फादर को तो उस तरह से नहीं बात बता सकती है, अपनी फीलिंग्स उनके साथ तो शेयर नहीं कर सकती है, अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही वो उनको नहीं कह सकती, लेकिन एनी टाइम मतलब दूसरे वे में वो अपना गुस्सा जो है वो बच्चों में निकाल देती है, या बच्चों को ठीक तरह से टाइम नहीं देती है, इमोशनली बच्चों के साथ वो ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाती, तो वहां पे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फिर इसी तरह आपको एंजाइटी हो रही है, तो ऑब्वियसली एंजाइटी जो है वो बच्चों के साथ भी आप जा रही है। फिर इसी तरह ज्यादातर क्या होता है कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे जो है ऑब्वियसली उनके पास और बहुत से, जैसे आप लोग अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं और अल्लाह ना करे आपको अपने घर में इस तरह की चीजों को या इस तरह के एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो बड़े बहन भाई हैं उनके पास, जो बड़े बहन भाई हैं ऑब्वियसली उनके पास एक टाइम होता है, या उनके पास और बहुत सी आप ये कह ले बच्चों के अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि अपना टाइम वहां पे वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। जैसे अगर बड़े बहन भाइयों को भी वो ना ले, सिर्फ भाइयों को ले, लड़कों को ले, वो घर में अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है वो क्या करते हैं, बाइक उठाइए या अपने किसी दोस्त के घर चलेंगे, वहां पे चलेंगे। लेकिन लड़कियां जो है वो इतनी इजीली इस तरह से नहीं जा सकती, तो वहां पे फिर क्या होता है कि इसीलिए जो घर में रहने वाले लोग होते हैं वो उस चीज से ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे तो आपकी अपनी सेल्फ डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट किसी और रिलेशनशिप में जा रहे हैं या आप एक पेरेंट बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही चीज आप पे फिर इफेक्ट करने लगता है, आप आगे जाके फिर वही चीज आप नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं, और इसी तरह यही इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है फैमिली के प्रोजेक्शन सिस्टम में जनरेशन टू जनरेशन मूव करती जाती है। यानी कि किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम देखें बच्चों के, वो फैमिली को कितना ज्यादा इफेक्ट करती है कि इवन जनरेशन तक को इफेक्ट करती है। लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसा भी होता है, अभी हमेशा बच्चों ट्रू भी नहीं होती की बात, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा होता है या बहन भाइयों में कोई एक पर्सन ऐसा होता है कि वो इमोशनली खुद ब खुद या हालात को देख के थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अब उसके स्टेबल होने की वजह से फिर क्या होता है कि वो स्टेबल हुआ है तो वो खुद को संभाल लेता है, यानी कि लेकिन वो खुद को तो संभाल रहा है, वो हो सकता है अपने बहन भाइयों को भी संभाले, लेकिन आप कभी भी अपने पेरेंट्स की कमी को या उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते, तो ये चीज बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं दोबारा से आपके लिए प्रॉब्लम, एक नई प्रॉब्लम ले आती है, और वो प्रॉब्लम आप कभी भी मतलब फिल नहीं कर सकते, या वो प्रॉब्लम जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चले बहुत ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे नहीं जा पाते, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो जाना स्टार्ट हो जाती। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया था हमारे भवन ने, वो रिलेट कर रहा था इमोशनल कट ऑफ। इमोशनल कट ऑफ में बच्चों एक्चुअली स्पेसिफिकली होता क्या है कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है इमोशनली, या फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो बाज़ औक़ात कोई ऐसा अंदर, बाज़ औक़ात कुछ पर्सन या कुछ लोग पर्सनैलिटीज ऐसी होती है, जैसे भाई मैंने एग्जाम्पल दी कोई बड़ा बहन भाई होगा या वो, या कोई इवन लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इमोशनली खुद को फैमिली से कट ऑफ कर लेते हैं। कट ऑफ इन द सेंस के वो फैमिली से बहुत ज्यादा अपने आप को सेल्फ डिफरेंशिएट इन द वे कर लेते हैं कि अपनी बहुत सी आप ये कह लें कि हॉबीज बाहर ढूंढ लेते हैं घर से, या घर की उन स्ट्रेसेस को वो ले ही नहीं रहे होते, अलग तरह से उससे दूर दूर चले जाते हैं। इमोशनली घर में अगर किसी को कोई तकलीफ भी हो रही है या कोई परेशानी है, तो उनको वो परेशानी उस तरह से फिर इफेक्ट ही नहीं कर रही होती, यानी कि आप खुद इमोशनली इंटरनली अपनी फैमिली से दूर होने लग जाते हैं, या आपस में आप एक दूसरे के साथ उतने ज्यादा इफेक्टिव वे में रह नहीं पा रहे हो। तो ये होता है बच्चों इमोशनल कट ऑफ, जिसमें एक्चुअली हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं फैमिली के साथ,
क्योंकि हम फैमिली के उन स्ट्रेसेस को ज्यादा बियर नहीं कर पा रहे होते या उन चीजों से थक जाते हैं या वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनसे निकलना चाह रहे होते हैं, तो हम कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले कि जो हमें उन उन चीजों से बिल्कुल दूर ले जाए या हटा दे, तो वहां पे फिर हम जरूरी समझ रहे होते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है कि हम फैमिली के साथ। फिर क्या होता है कि उनका इंटरेक्शन फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इवन के अपने पेरेंट्स के साथ कम हो जाता है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि बच्चा बाहर क्या कर रहा है या घर से बाहर गया, क्योंकि पेरेंट्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म हो पा रहे, तो वो कैसे देखेंगे कि बच्चे के कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो ऑब्वियसली भी बाहर में इवन बच्चे भी बाहर बहुत सी और गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हो सकता है वो ड्रग अब्यूज का शिकार हो जाए, हो सकता है वो किसी और गलत कामों में पड़ जाए या अपनी पढ़ाई छोड़ दे, डिफरेंट और चीजें बच्चों जो अलग अलग तरह से किसी ना किसी वे में इफेक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम। अब व्हाट इज अ मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम? मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि फैमिली, जैसे हम लोग इसके बारे में बार बार पढ़ भी रहे हैं कि फैमिली की जो इमोशनल डिसफंक्शनिंग है या इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो फैमिली टू फैमिली जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करती जाती है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपका क्लास का टाइम तो कम हो रहा है, अब आप ये बताइए कि आपने नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करनी है या फिर हम कल पढ़े? BS 8 जल्दी बता दें। मैम कल पढ़ लेंगे। चलें जी फिर कल ही पढ़ लेंगे, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं आपकी 2-3 दिन से क्लासेस ले रही हूँ, तो आप किसी दिन इस चीज को ज्यादा ही माइंड ही ना कर दें। अच्छा बच्चों चलिए ठीक है, इसमें से कुछ ना समझ आए तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम।